प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद कृषि कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया। कानून रद्द होने के बाद भी विरोधियों की छटपटाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अभी तक कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़ी थी, लेकिन जैसे ही मोदी ने कृषि बिल रद्द करने का ऐलान किया, कांग्रेस किसानों की जीत बताकर बीजेपी पर हमला बोलने लगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला राजनीति करने लगे। कानून वापसी के बाद सुरजेवाला को लगा कि इसका श्रेय मोदी अकेले न ले जाएं, इसीलिए सुरजेवाला कानून वापसी के बाद भी मोदी सरकार पर निशाना साधने लगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 5 सवाल भी पूछे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि किसानों ने तीनों नए काले कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार के सामने याचिकाएं लगाई थी, लेकिन मोदी सरकार से उन्हें सिर्फ यातनाएं मिली। मोदी सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कराए, दिल्ली के बॉर्डर्स खुदवा दिए और किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकी, नक्सलवादी और आंदोलनजीवी कहा गया। इसके साथ ही सुरजेवाला ने बीजेपी से सवाल किया है कि मोदी जी ये भी बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का रोड मैप और रास्ता क्या है। वहीं सुरजेवाला ने एक और सवाल दागते हुए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने खेती उपकरणों को जीएसटी के दायरे में रखने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि खेती के उपकरणों पर जीएसटी से राहत देने का इरादा क्या है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल किया है कि डीजल के दाम कम कब होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज देश के किसान कर्ज में है। केंद्र सरकार बताए कि किसान की कर्ज मुक्ति की मंशा क्या है। आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में जुटी है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी की देश भर में हार हुई है, जबकि बीजेपी पीएम मोदी के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बताने में जुटी है। वहीं जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे वो मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उनका मानना है कि वो कानून के खिलाफ थे, सरकार के नहीं, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ रहती है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मोदी ने विपक्ष के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है, इसी वजह से कांग्रेस की तिलमिलाहट साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।